बांदा में ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत की घटना सामने आई है। पुलिसकर्मी पुलिस लाइन में तैनात था और अपनी ड्यूटी के लिए पीली कोठी गया था। उसी दौरान करते समय उनको पीली कोठी में खून की उल्टी आई और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई है। घटना के बाद से परिजनों और पुलिस महकमे में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल पद पर रहे जसवंत यादव की मौत के बाद दुख की लहर है। आपको बता दें, पूरा मामला शहर कोतवाली के पीली कोठी से सामने आया है, जहां पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी को खून की उल्टी आए। इसके बाद पुलिसकर्मी और परिजनों ने आनंद फानंद में प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया और जिला अस्पताल में हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने इलाज के लिए झांसी रेफर कर दिया। पुलिसकर्मियों को इलाज कराने के लिए झांसी लेकर जा रहे थे, उसी दौरान रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी के बाद परिजन और पुलिस परिवार में गम का माहौल बना हुआ है। इटावा जनपद के जसवंत नगर के रहने वाले 46 वर्ष के हेड कांस्टेबल राज नारायण यादव लगभग 8 वर्ष से बांदा जनपद में तैनात थे और इन दिनों बांदा जनपद की पुलिस लाइन में तैनाती थी और पुलिस लाइन से ही राज नारायण की ड्यूटी जनपद के विभिन्न इलाकों में लगाई जा रही थी। कल भी हेड कांस्टेबल की ड्यूटी पीली कोठी में लगी हुई थी, जिसके बाद अचानक से खून की उल्टी आए और मौत हो जाने से पूरे पुलिस परिवार में कोहराम मच गया है। मृत्यु के पश्चात हेड कांस्टेबल के शव को पुलिसकर्मियों ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौके पहुंचे सीओ सिटी राकेश सिंह के साथ पुलिस के उच्च अधिकारियों ने पुलिस के जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की है और सलामी दी है। सलामी देने के बाद परिजन मृतक हेड कांस्टेबल के शव को उनके पैतृक गाँव इटावा जनपद के जसवंत नगर ले गए हैं अंतिम संस्कार करने के लिए। जी भैया, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रेम सागर है। जी कहाँ रहते हैं? जी मैं पुलिस लाइन में रहता हूँ, पुलिस लाइन कमरा नंबर 70। जी किस प्रकार की घटना है, मृतक आपका कौन है? सर, मृतक मेरे पिताश्री थे और वो सर आज ड्यूटी पे निकले थे सुबह 8 बजे, कहीं पुलिस लाइन से ही ड्यूटी थी। तो सर वो बोल रहे थे कि पीली कोठी पे ड्यूटी थी, तो वहाँ पे उनको पलटी हुई एक बार ब्लड की, जब छुट्टी हुई तो वो घर आए तो दोबारा पलटी हुई, तो उनको मतलब सीरियस हालत में ट्रामा सेंटर ले गए। वहाँ पे थोड़ा ट्रीटमेंट किया, तो फिर बोल दिया रिफ़र करने को बोल दिया, तो वहाँ पे रिफ़र किया तो एम्बुलेंस में वही ब्लड की पलटी आई और वहाँ जब दिखाया तो उन्होंने बोल दिया कि वापस ले जाओ, झांसी ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं। ये घटना कब की है? सर कल की है। अच्छा, कहाँ रहते थे ये? सर पुलिस लाइन में ही रहते थे। पुलिस लाइन में रहते थे, ग्राम टाउन है, डिस्ट्रिक्ट इटावा। इटावा के रहने वाले हैं, तो यहाँ ड्यूटी करते थे? जी काफ़ी साल हो गया, लगभग 8 साल से बांदा में ही। इससे पहले कोई बीमारी वगैरह रही? नहीं, इससे पहले कोई बीमारी नहीं थी। अचानक इसका इलाज नहीं चल रहा था। जी।